हाय गाइस, वेलकम टू द फूडी फॉलोअर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम नए तरीके से बनने वाले मटर पनीर पुलाव। बहुत ही टेस्टी, यमी, एकदम एक एक दाना खिला खिला और स्वाद में तो गाइस क्या ही कहने, बहुत ही लाजवाब। साथ में बनाएंगे बढ़िया सा वेज रायता। तो आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हम बना रहे हैं मटर पनीर पुलाव। तो सबसे पहले लेंगे पनीर, उसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक। बेसिक मसाले डालने हैं और जस्ट इसको मैरिनेट होने छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद में हम पनीर को टोस्ट करेंगे एक नॉनस्टिक पैन पे। तो दोनों तरफ से पनीर को हल्का सा बढ़िया सा टोस्ट कर लीजिए ताकि जो मसाला है उसके साथ में पनीर का बहुत टेस्टी सा टेस्ट हो जाए। तो ये देखिए, पनीर हमारे बहुत बढ़िया से कुक हो गए हैं। तो अभी जब पनीर जब हो गए हैं तो पनीर को रखिए साइड में और लीजिए एक पैन और उसमें डालिए सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो जीरा डालिए, आप उसे अच्छे से धीमी धीमी आंच पे रोस्ट होने दीजिए। फिर आप इसमें डालिए काली इलायची, हरी इलायची और लौंग, साथ में कुछ तेज पत्ता। तो खड़े मसाले आप डाल लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। और फिर आप उसके बाद में इसमें डालिए बहुत सारा स्लाइस्ड अनियन। तो बहुत सारा प्याज यहाँ पे मैंने लिया है क्योंकि जो प्याज होता है ना उसका ही सबसे जो मेन फ्लेवर होता है इन राइस में बहुत अच्छा आता है। तो प्याज लीजिए, उसे बहुत देर तक बढ़िया से सौते कीजिए। प्याज को पकाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है सही तरीके से, क्योंकि प्याज अच्छे से कैरेमलाइज्ड होगा, अपना अच्छा फ्लेवर देगा, तभी उसका बेस्ट टेस्ट आएगा। तो प्याज को आपको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये स्टेप काफ़ी समय लेता है लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से प्याज को ब्राउन करके। फिर टमाटर डाल दीजिए, टमाटर को सॉफ्ट होने दीजिए। और जब ये पूरा मसाला रेडी हो जाता है तब हम इसमें डालते हैं हम हमारे फ्रेश मटर। तो फ्रेश मटर डालिए सबसे पहले, आप फ्रोजन डाल रहे हैं तो उसको 2 मिनट बॉयल वाटर में छोड़ दीजिएगा गुनगुने पानी में। यहाँ पे तो मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। साथ में डाल दीजिए लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अब हम डालते हैं इसमें वॉश एंड सोक्ड राइस। तो यहाँ पे मैं बासमती चावल डाल रही हूँ। साथ में डाल दीजिए हमारे बढ़िया से बहुत बढ़िया रोस्ट करा हुआ हमारा पनीर मसाले वाला, और जो पनीर हमने मैरिनेट करा था ना उसका मसाला भी हम इसमें डालेंगे। साथ में डाल दीजिए सॉल्ट। तो ये लीजिए गाइस, तो जो मसाला बच गया था ना दही वाला जो हमने पनीर को मैरिनेट किया था वो भी इसमें डाल दीजिए, वो भी अपना एक अलग फ्लेवर देगा। और अभी जब सारी चीज़ें डल गई है तो आप इसे एक बार अच्छे से स्टिर कीजिए। ये देखिए कितने बढ़िया लाजवाब दिख रहे हैं गाइस। ये बनने से पहले ही इतने अच्छे लग रहे हैं, बनने के बाद तो ये बहुत यम्मी लगेंगे। एकदम डिफरेंट पुलाव रेसिपी है, सभी को पुलाव बहुत पसंद होते हैं। तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिए मटर पनीर पुलाव, खाने में बहुत टेस्टी बनेंगे। तो अच्छे से स्टिर कर लीजिए और अब इसमें डाल दीजिए वाटर। तो गाइस क्या होता है ना, पानी डालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सी वैरायटी का चावल यूज़ कर रहे हैं। तो हर वैरायटी का जो राइस होता है ना उसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है, मतलब जितना पानी को ज़रूरत है वो अलग अलग होती है। तो बेसिक फार्मूला तो क्या होता है कि हम पानी का लेवल चेक करें तो आपको जो फिंगर टिप का 1/3 हिस्सा होता है वो आपका जस्ट डिप होना चाहिए, उतना ही चावल के ऊपर आपका पानी आना चाहिए। और फिर उसके बाद में लिड लगा दीजिए, अच्छे से कवर होने वाला, मतलब इसका टाइट सा ढक्कन होना चाहिए, और इसे पकने दीजिए। अब हम बना लेते हैं हमारे लिए रायता। तो रायते के लिए चाहिए फ्रेश दही, साथ में डाल दीजिए पुदीना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, और फिर इसमें डाल दीजिए अपनी पसंद की बहुत सारी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मेरे पास तो 3 अवेलेबल थी, अनियन, कुकुम्बर, टमेटोज, यानी कि प्याज, खीरा और टमाटर। और ये सारी चीज़ें डाल दीजिए और अच्छे से इसे स्टर कीजिए। तो ये वाले पुलाव रायते के साथ सबसे बेस्ट लगते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। आप चाहे तो इसे सिंपल दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे सिंपल बिना किसी चीज़ के भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये हमारा डिलीशियस से रायता रेडी है। हम हमारे चावल को एक बार चेक करते हैं। तो अभी तो आपको चावल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा ढंग से मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है तो धीरे धीरे चावल का साइज़ अपना फुल लेंथ लेने लगा है और पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगा है। तो जब भी हम ओपन पुलाव पकाते हैं गाइस तो ये टिप हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक आपका पानी एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक आपको राइस को
मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, और जब ये आपका एक बार पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको लो फ्लेम करके अच्छे से भाप लेने दीजिए और उसको उसी तरीके से फिर बाद में पकाना होता है। तो ये देखिए, अब इस स्टेज पे सारा पानी एब्जॉर्ब्ड हो गया है, अब बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार इसको अच्छे से स्टिर करेंगे। तो ये देखिए, अभी दाना खिला खिला नहीं है, लेकिन अब ये हो जाएगा जब हम इसको स्टीम में पकने देंगे आराम से 10 मिनट्स के लिए। तो आपको स्टीम में कैसे पकने देना है, तो अभी आपने स्टिर कर लिया, तो अभी जब आपने स्टिर कर लिया है तो अब इस पे फ्लेम को बिल्कुल कम करके ढक्कन अच्छे से टाइट लगा दीजिए और ऐसे के ऐसे इसको छोड़ दीजिए 10 मिनट्स के लिए। तो अब हम लेड हटाएंगे आफ्टर 10 मिनट्स, जब चावल अच्छे से रेस्ट कर गया हो और फिर भाप में अच्छे से उसने अपना उसको जितना फूलना है वो ले चुका हो। तो ये देखिए, ये बेस्ट हमारे पुलाव रेडी हैं। मैं दिखाती हूँ एक एक दाना कितना बढ़िया खिला हुआ है, और टेस्ट का तो क्या ही कहने, प्याज का बहुत बढ़िया टेस्ट है, साथ में मटर और पनीर का बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन, और सर्व कीजिए रायते के साथ। मुझे तो बेस्ट ये रायते के साथ ही लगते हैं। तो ये लीजिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।